एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंस तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अभी हम uh, चैप्टर नंबर फोर करंटली कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर बी का तो ये जो पार्ट है ये हम सर की लेटेस्ट एडिशन से कवर कर रहे हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पी अपलोड करती हूँ जैसे हमारे वन टू एंड थर्ड चैप्टर्स कम्प्लीट हो गए हैं पेपर बी के तो इन तीनों चैप्टर्स के पी आपको वहाँ मिल जाएंगे ठीक है पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है नितिन सांगवान सर की बुक का तो अगर अभी तक किसी ने वो नहीं देखा आप जाके मेरी चैनल पे प्ले बनी हुई है नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर ए कम्प्लीट करके तो वहाँ पर आप आ, उस प्ले से वो वीडियोज़ देख सकते हैं आने वाले टाइम में मैं इग्नो मटीरियल रेलिवेंट टू योर एग्जाम वो भी लेके आऊँगी पी भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है एंड विजन आयर्स के जो चेकड आंसर कॉपीज़ हैं टॉपर्स की उन पे भी हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं If you want to reach out to me directly, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस आई डी पे कर फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट तो कास्ट सिस्टम का जो बेसिक है वो सारा हमने कवर कर लिया है अब आगे आगे चल के हम नए टॉपिक्स देखते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम कैसे रिफॉर्म हुआ देखो अराइवल ऑफ ब्रिटिश जो था चाहे उसका कितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो लेकिन अगर हम उससे पॉजिटिव लेना चाहें तो कुछ कुछ पॉजिटिव इम्पेक्ट हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन पे पड़ा कास्ट सिस्टम वैसा ही एक इंस्टीट्यूशन था जिस पे काफी इम्पेक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के आने का अलॉन्ग द ब्रिटिश के मॉडर्न आइडियाज एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तो लोगों को पता चला कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू रूल किया जा सकता है ज़रूरी नहीं हर रूल जो है वो हेरिडिटरी हो ठीक है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक ब्यूरोक्रेसी का पता चला लोगों को ब्रिटिशर्स के आने के बाद मॉडर्न एजुकेशन जो है उसके साथ उनका राबता शुरू हो गया मॉडर्न एजुकेशन के साथ उनका कांटेक्ट बढ़ गया ठीक है तो जो मॉडर्न आइडियाज़ आ गए तो जो वेस्टर्न लिबरल थॉट्स थे आपके इक्वालिटी वाला थॉट था ठीक है रूल ऑफ लॉ जैसी बातें थी तो ऐसी सारी बातें जो थे यहाँ पे इंडिया में भी ये आइडियाज आने लगे तो इससे क्या लगा लोगों को कि नहीं हम सारे एक इक्वल एक लेवल पे रह सकते हैं जरूरी नहीं जो कास्ट सिस्टम बोले हम वो सारी चीज माने ठीक है तो अगर आप उसका पॉजिटिव भी देखना चाहो तो किन्हीं इंस्टिट्यूशन पे आपको उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ब्रिटिशर्स का देखने को मिलेगा जो ट्रेडिशनल बॉडीज थी जैसे कास्ट पंचायत वगैरह जहाँ पे कास्ट के केसेस डिसाइड होते थे सारे पनिशमेंट्स भी पंचायत से देती थी वो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि स्टेट अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल ऑफिशल्स आए अब लॉ के थ्रू आपको क्या किया जाता था आपको रेगुलेट किया जाता था पंचायत जो थे अपने रूलिंग्स वो नहीं दे सकते थे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो थी इट वाज नाउ इट वाज नाउ नॉट डिसाइडेड बाय द कास्ट बट बाई मेरिट मेरिट की बातें होने लगी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन आ गया ओपन कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में आ गया ऑल दो वो उन्होंने अपने इसके लिए लाया था उसमें उनका अपना थोड़ा ये था कि इंडियंस को वो उस कॉम्पिटिशन का पार्ट बनने देंगे या नहीं देंगे वो अपने हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो थॉट एक ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम हो एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसके बाद आप मेरिट पर डिसाइड करते हो को, किसको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए ये कोई हेरिडिटरी नहीं होती है जो एक के बाद उसके बेटे को ही मिलनी चाहिए ठीक है तो ये मेरिट बेस्ड होगी एजुकेशन सेक्युलर बन गई पहले क्या होता था आपकी जो आ, आपको एजुकेट जो करते थे वो आप पंडित वगैरह ही होते थे तो अगर आपको थोड़ी बहुत बातें भी पता चलती थी वो एजुकेशन में वैसे ही बातें होती थी जो आपको उसी अराउंड बिल्ड होती थी जो ज्यादा से ज्यादा आप कोई एक प्रीस्ट बन पाते आप रेज, आपको रिलीजियस टीचिंग दी जाती थी ठीक है रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी ये सेक्युलर लिबरल टाइप की एजुकेशन रैशनल लॉजिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती थी ऐसी एजुकेशन अभी आपको नहीं दी जाती थी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन इम्पॉर्टिंग एजुकेशन इट्स डिक्लाइन ठीक है वो चीज़ भी खत्म हो गई दो इट इज अनदर स्टोरी दैट मोस्ट ऑफ द अर्ली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर ग्रैप्ड बाई दो बिलोंग टू अपर कास्ट ठीक है सो कॉल्ड अपर कास्ट जैसे आपके ब्राह्मण हुए मोस्टली वही ग्रैप करते थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही वो एक्सपर्टीज़ हासिल की थी एजुकेशन में चाहे वो रिलीजन रिलीजन रिलेटेड एजुकेशन ही थी आपके प्रेयर्स वग़ैरह वो सीखते थे ठीक है चैनटिंग वगैरह ब्राह्मण्स को ही आती थी लेकिन उन्हीं को थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का पता था तो वही पहली क्लास ऐसी थी जिन्होंने एजुकेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया एंड इनफैक्ट अगर आपने लास्ट वीडियो आपको याद होगा तो मैंने आपको दिवज कहा था इनको दिवज बोलते हैं तो ये ओपिनियन सेरेमनी परफॉर्म करते थे जिसमें वो वाइट थेड उनको दिया जाता था ठीक है उस वाइट थ्रेड का क्या मतलब होता था कि इनिशिएशन हो गई है इनकी एजुकेशन की तरफ अभी इनको आप एजुकेट कर सकते हो और वो सिर्फ हाई कास्ट को दिया जाता था ठीक है आपके ब्राह्मण्स को अगर आपने वाइट थ्रेड देखा होगा तो वो चीजें भी जो होगी आहिस्ता आहिस्ता वो किसने वो अपॉर्चुनिटीज कौन देने लगे ग्रैप करने लगे आपके ब्राह्मण्स ठीक है दे वर द मोस्ट सोशली एंड एजुकेशनली एडवांस नाथ लेस इतना ऑल दो उनको ज्यादा फायदा हुआ लेकिन स्टिल इट मेड द सिस्टम थियोरटिकली ओपन अब जो सिस्टम है ये नया एजुकेशन सिस्टम ये ओपन हो गया बाकी सब कास्ट के लिए भी न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिविक सिस्टम मेड फिजिकल सेग्रीगेशन डिफिकल्ट ठीक है सिविक सिस्टम मतलब ऐसा कोई रूल नहीं रहा आप एक वेल से पानी पियो तो सिर्फ वो हाई कास्ट के लिए वेल नहीं जो आपके नए मोड्स ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिविक सिस्टम्स थे उसमें पॉसिबल नहीं था फिजिकली सेग्रीगेट करना उसमें सारे जो थे वो एक साथ ही उठते बैठते थे तो वो प्रॉब्लम भी जो थी उसे भी सिस्टम में थोड़ा रिफॉर्मेशन आने लगा लेकिन इतने सबके बाद भी ऑल दो अनटचेबिलिटी अभी भी कंटिन्यू हो रही थी ग्रेजुअल शिफ्ट आपका आ गया अग्रेरियन इकोनॉमी से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे ठीक है तो शिफ्ट जो है था फोकस वो कहाँ से शिफ्ट हो गया कास्ट आइडेंटिटी से प्रॉफिट पे अब प्रॉफिट पे बात होने लगी अब कास्ट बेस्ड काम आप नहीं कर रहे थे ठीक है अगर आप में वो काबिलियत थी कि आप थोड़ा बहुत अपने जो वेल्थ है वो एक्यूमलेट कर पाओ तो कहीं ना कहीं आपकी कास्ट में मोबिलिटी पॉसिबल होने लगी ठीक है जितना आपका जो इनकम है ये इंक्रीज हो गया उतने आपके चांसेस बन गए अपने कास्ट को इंक्रीज करने के न्यू सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू आल्सो रिलीज लैंड फ्रॉम द मोनोपोलिस्टिक क्लासेस ऑफ द ट्रेडिशनल लैंड एलिट एंड टू एटलीस्ट सम ठीक है तो जो नए सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू थे जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे तो इससे क्या हो गया जो ट्रेडिशनल लैंडेड ट्रेडिशनलिट क्लास थी उनका जो होल्ड था लैंड पे वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया बाई द इम्पैक्ट ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो स्टॉप डाउन अ न्यू वे ऑफ सोशल रिफॉर्म्स रिफॉर्म स्टार्टेड फ्रॉम बिलो बाई इंडियंस हु लेट द फाउंडेशन ऑफ द वेरियस एंटी कास्ट मूवमेंट अब देखो जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ लाना या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऐसे लॉज लेके आना रूल्स लेके आना कि फ्रॉम अब था वो टॉप डाउन दैट मीनस ये ऑफिशियल्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने स्टार्ट किया था टॉप डाउन वहाँ जो टॉप के जो स्ट्रक्चर में टॉप पे होते हैं जैसे आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स वगैरह या मिनिस्टर्स वो स्टार्ट करते हैं फिर स्लोली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलता है लेकिन इंडिया में क्या हो गया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो बिलो भी स्टार्ट हो गई वहाँ पे बिलो में आप किसको रखते हो उस स्ट्रक्चर में जो आपके इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं निचले निच निच तबके में थे तो जो उस तबके में एनलाइटेड इंडियंस थे उनने सोशल रिफॉर्म स्टार्ट की अगेंस्ट कास्ट सिस्टम ठीक है <coughs> an also, तो वेरियस एंटी कास्ट मूवमेंट है फ्रॉम बिलो बाई द रिलीजियस एंड सोशल ऑल्सो ठीक है तो उनमें एंटी कास्ट डायमेंशन भी आपको देखने को मिलेगा जैसे आपके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ब्रह्मो समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज एट्सट्रा दे प्रीज इक्वलिटी फॉर ऑल इेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन वो क्या प्रीज करते थे इक्वालिटी जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ लेट नाइनटीन सेंचुरी में इंडिया में पॉलिटिकल ये जो एक्टिविज्म है वो स्टार्ट हो गया ठीक है अब ये सारी बातें वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन काइंड आने लगे इंडिया में इट इंक्लूडेड सोशल एजेंडाज लाइक रिफॉर्मेशन ऑन कास्ट सिस्टम तो जहाँ पे भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर की रिलेटेड बातें होती थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग बातें होती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म्स के को भी टच किया जाता था एंड कास्ट सिस्टम वगैरह को उनके लॉन्ग टर्म गोल्स में इंक्लूड करते थे

दैट फॉर सोशल रेवोल्यूशन के लिए इंडियंस को दे हैड टू अंडर गो पोलिटिकल रेवोल्यूशन एज वेल क्योंकि पोलिटिकली जब इंडियंस के पास कुछ पावर होगा जब वो किसी लेवल पे आ जाएंगे जब उनकी बात को सुना जाएगा तो ही वो किसी के लिए बात कर सकते हैं तो ही वो कास्ट के अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी कोई बात कहीं पे नहीं सुनी जा रही हो वो अपने घर में बैठ के ये बोलें कि कास्ट सिस्टम गंदा है कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए इससे सोसाइटी में काफी जशम क्रिएट होता है तो क्या उनकी कोई बात सुनेगा नहीं उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर भी आना चाहिए ना कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर उनकी बात हो अगर वो घर में बातें करेंगे तो उसका क्या ही मतलब बनता है वन ऑफ द अर्लीस्ट जो पैन इंडिया एंटी कास्ट लॉज है वॉज द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी ठीक है जो ब्रिटिश एरा लॉज हैं प्रोवाइ प्रूवड इन एडुकेट क्योंकि जो रूलर्स थे उन कभी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया ग्राउंड पे ये अगेन वही बात आती है सिर्फ लॉ से ये चीजें आप नहीं सुधार सकते हो आपको सोशली इन चीजों को जो है चेंज करना पड़ेगा एज इन सोशल प्रैक्टिस को आपको अपनी जो है वो सही बनाना पड़ेगा सिर्फ बाय लॉ आप ये चेंजेस नहीं लेके आ सकते हो अब एंटी कास्ट मूवमेंट देखते हैं देखो मैं दोबारा बोलती हूँ ये जो सेकेंड एडिशन का चैप्टर है जो मैंने बुक ऑर्डर की थी उसमें कुछ पेजेस मिसिंग है इस वजह से लेक्चर्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ पेजेस मिसिंग अब अगर जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं कोई उसमें ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ये बुक है और उस पर सारे पेजेस हैं प्रेजेंट इस चैप्टर के तो आप मुझे करंट क्रंच पे मेल करें दैट यू हैव ऑल द चैप्टर्स तो फिर मैं आपको पेज नंबर्स बोलूंगी कौन कौन से पेज नंबर मिसिंग है आप मुझे स्कैन करके वो मेल कर देंगे तो उसका जो फिर मैं अपडेटेड वीडियो है जो पार्ट हमारा इस नए एडिशन में रह गया अपडेटेड वीडियो में लेके आऊंगी ठीक है राइज ऑफ ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स वन द अर्लीस्ट वर्क अगेंस्ट कास्ट जो था इट वॉज डन बाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जैसे आपकी ब्रह्म समाज आर्य समाज रामा क्योंकि ये सब क्या बात करते थे इक्वल सोसाइटी एकवल सोसाइटीरियन सोसाइटी के किसी ने भी कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं किया इनमें हर कोई बोलता था कास्ट सिस्टम क्या है ये इवल है ठीक है विदाउट इक्वल सोसाइटी के कोई ये प्रोपोगेट करते थे जिसमें कोई सोशल रिविजन ना हो ये जो मूवमेंट्स थे एक्सक्लूसिवली एंटी कास्ट मूवमेंट्स नहीं थी लेकिन इनमें एंटी कास्ट एलिमेंट्स थे एंटी कास्ट रिफॉर्म्स थे इनमें इंक्लूडेड जैसे इन लोगों ने काफ़ी बातें करी थी इन्होंने सिर्फ कास्ट सिस्टम की बात नहीं की थी ये अगेंस्ट थे चाइल्ड मैरिज के इन्होंने वो बात भी करी थी ठीक है ये प्रमोट करते थे विडो रिमैरिज को ये अगेंस्ट थे पर्दा सिस्टम के ये अगेन्स्ट से सती के तो आप इनको पर्टिकुलरली एंटी कास्ट मूवमेंट्स नहीं बोल सकते लेकिन ये जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी इनमें एंटी कास्ट एलिमेंट जो थे वो प्रेजेंट थे तीज व साउदर्न स्टेट्स इंक्लूडेड इंक्लूडिंग द देन बॉम्बे प्रोविंस विच गेव बर् टू प्योर एंटी कास्ट मूवमेंट्स तो हमें प्योर एंटी कास्ट मूवमेंट्स कहाँ से मिलती हैं साउदर्न स्टेट से जिसमें आपका बॉम्बे प्रोविंस भी आता है ठीक है जो अर्लीएस्ट रिफॉर्मर्स थे वो अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अर्लीस्ट रिफॉर्मर्स थे जो ये बात करते थे एंटी कास्ट वो खुद अनटचेबल्स नहीं थे बारिंग आपके बी आर अम्बेडकर वो हम आगे देखेंगे वो खुद अनटचेबल्स नहीं थे इससे ये भी बात पता चलती है देखो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ही आवाज़ उठाओगे ना लेकिन आपकी आवाज़ उठाने के लिए वो आवाज़ किसी का सुनना ज़रूरी है तो उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी लो कास्ट लोगों की कि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी वो अपने हक़ में आवाज़ उठाएं तो इसीलिए जिन्हें स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स रेज किए वो आपके अनटचेबल कम्यूनिटी के नहीं थे ठीक है

जो अनटचेबल टचेबल कास्ट है बिगेन टू सी दिल्वस इन द न्यू लाइट ठीक है अब इनके बारे में बात होने लगी कास्ट जो सो कॉल्ड लो कास्ट so को बिलोंग करते थे तो अब उनको क्या लगा वो खुद को भी अब कहीं पे आ, मतलब उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उनके लिए दलित एक टर्मिनोलॉजी आ गया उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला गया दे वर नॉट अनटचेबल्स नाउ बट इक्वल ह्यूमन बींगस हुआ मेयरली ऑफ एट्रोसिटीज बाय अदर्स तो पहले क्या था उनको पता था कि जो हम फेस कर रहे हैं इसको रिलीजियस सैक्शन दिया हुआ है अब लेकिन रिफॉर्म्स के चलते क्या हुआ जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो डिक्लाइन होने लगे हमारे पास मॉडर्न सेक्युलर थॉट्स आ गए तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ लगी कि नहीं ऐसा नहीं है हमारे या कर्म या कर्मा की वजह से हम लो कास्ट पैदा नहीं हुए अभी हमें हम अनइक्वल पैदा नहीं हुए हैं ये हमें क्या किया गया है हमें एक्सप्लोयड किया गया है हम कुछ एट्रोसिटीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं बिफोर वी गो थ्रू सच मूमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स फर्स्ट वी शैल डिस्कस जो एंटी कास्ट डेवलपमेंट्स हुई साउथ इंडिया में वेयर सच एक्टिविज्म द स्ट्रॉन्गेस्ट तो कहाँ हुआ साउथ में हुआ डेवलप जो फुल फ्लेज एंटी कास्ट मोवमेंट है वो कहाँ से आई पहले आपको साउद स्टेट से आई फर्स्ट जो आपकी डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस है वो भी कहाँ पर हुई थी आपकी बॉम्बे में हुई थी ठीक है तो क्या एंटी ब्राह्मणिज्म इन साउथ जो था इट वॉज मोर वोकल देन एनी वेयर एल्स इन इंडिया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आपको पता होना चाहिए वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवॉल्ट जो था अगेंस्ट द इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम वो था आपका चन्न रिवॉल्ट रिवॉल्ट ये कहाँ पे था आपका नाइनटीन सेंचुरी में हुआ था इन द मॉडर्न डे कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट विच वॉज अ पार्ट ऑफ द देन द देन ट्रावनकोर स्टेट तो आपकी ट्रावनकोर स्टेट कौन सी होगी केरला ठीक है तो केरला में हुआ था इसको क्या बोलते हैं चन्नर रिवॉल्ट काफी ज्यादा उस टाइम पे इंफ्लुएंशन रिवॉल्ट रहा था इन वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन प्रैक्टिस वुमेन इसमें क्या करते थे बेसिकली ये काफ़ी इनह्यूमन प्रैक्टिस वहाँ पे होती थी जो लोअर क्लास कास्ट वुमेन होती थी जिनको चनार या नदार कहते थे उनको अलाउ नहीं था कि वो अपनी अपर बॉडी को कवर कर सकें तो उनको अपनी अपर बॉडी जो है वो बेयर रखनी पड़ती थी ठीक है तो इसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ था एंड देन uh, अगर ये वो अगर कवर करने की कोशिश करे तो उन पर टैक्स इंपोज किया जाता था ठीक है तो ये प्रॉब्लम थी इस वजह से एंटी कास्ट मूवमेंट वहां पे हुई थी इंसिडेंटली जो त्रावन स्टेट है लेटर ऑन इमर्ज एज अ बैटल फ्रंट फॉर द एंटी कास्ट मूवमेंट्स ऑन तो वन हैंड

ठीक है उन्हें फाउंड किया था सत्यशोधक सत्यशोधक समाज ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इन महाराष्ट्र इन एटीन सेवेंटी थ्री वेयर दे वर्क अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अनटेजेबिलिटी के अगेंस्ट काम करते थे एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ दी लोअर कास्ट वुमेन के लिए ठीक है जो शोधक समाज था उन्हें अटैक किया था ब्राह्मण पीस्ट को जो कहते थे कि हम इंटरमीडियरीज हैं बिटवीन गॉड एंड मैन तो देरफर जो गॉड की बातें हैं और उनकी डिवोटीज़ की बातें हैं उसके बीच के इंटरमीडियरी हम हैं और हमें ही वो समझ में आती हैं तो वही लोग रिलीजन बाकियों को आ, क्या करते थे ब्राह्मण प्रीस जो है वो बाकियों को रिलीजन प्रीच करते थे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिसमें वो खुद को हमेशा एट टॉप रखते थे नोटेबली जो फूले है वो नॉट एन अनटचेबल लेकिन वो एक शूदरा थे बिलोंगिंग टू द माली कास्ट हु हुई टू शूद्रास को को एंड अनटचेबल्स जिनको आती शुद्रास भी बोलते थे अगेंस्ट डोमिनेंट कास्ट तो खुद वो शूद्र थे एंड किसको किसके साथ मिलने की कोशिश की थी आपके अनटचेबल्स के साथ अगेंस्ट डोमिनेंट कास्ट तो इन्होंने काफी रिफॉर्मेटिव काम भी किए महाराष्ट्र में फूले गिव अ न्यू थियरटिकल परस्पेक्टिव टू तो हिज एंटी कास्ट स्ट्रगल एंड क्लेम दैट नॉन आर्यन जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ऑफ द कंट्री एंड दे वर वर बाय द द सो कॉल्ड आर्यंस हु आउटसाइडर्स आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था लास्ट के लास्ट टू लास्ट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली लेकिन हमने डिस्कस करा था जब आर्यंस बाहर से आए थे अपनी सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखने के लिए वो हाइपर गैमस मैरिजेस करते थे तो वहां पे कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस किया यहाँ पे वही कास्ट सिस्टम यहाँ पे भी वही डिविजन लेके आए थे वो तो ये भी एक थियोरी थी कैसे जो कास्ट सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ था फूले ने बुक लिखी थी गुलामगिरी जिसमें इन्होंने जो है ये बातें करी थी जो अमेरिकन सिविल वॉर में हुई थी अमेरिकन सिविल वॉर दस साल पहले हुआ था आ, 1873 एटीन सेवेंटी थ्री में जब इन्हें बुक लिखी थी उससे दस साल पहले वहां पे अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी जो जिसमें लोगों ने स्लेवरी के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई थी वो स्लेव्स के हक में था फाइनली क्या किया गया था इस वॉर के बाद स्लेवरी अमेरिका में खत्म हो गई थी तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लो कास्ट है उसको उन्होंने किसे इक्वेट किया था जो स्लेव्स थे कहाँ के ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका के उन्होंने कहा था ब्राह्मण गॉड्स को आप वर्शिप नहीं करो इसलिए उन्होंने एडवोकेट किया था वर्शिप ऑफ राजा बाली इंस्टीट्यूट ही मेड फन ऑफ पुराना लिटरेचर एंड रेडिक्यूल्ड दो बिलीव इन दीज मैथोलॉजिकल स्टोरीज जिसमें ब्राह्मण्स को हमेशा टॉप पे रखा जाता है 1852 में सावित्री बाई फूले ओपन द स्कूल फॉर अनटचेबल गर्ल्स ठीक है एंड शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ दैट स्कूल ऑल्सो ये सारी चीज़ें जो इन्हें काम किया आप हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ते हो केरला में अयंकाली वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट दलित लीडर्स हु फॉट फॉर द सिविल राइट्स लाइक यूजिंग पब्लिक रोड्स राइट टू राइट बुलॉक कार्ड्स वेयर क्लोज ऑफ चॉइस एंड सो ऑन ठीक है अनलाइक मेनी अदर कंटेम्प्रेरी रिफॉर्मर्स उनका जो अप्रोच था इट वॉज डायरेक्ट एंड His since 1890s led to many तो, तो इन्होंने भी काफी चीजें करी थी अपने टाइम पे जिससे काफी रिफॉर्म्स आए थे थीके? तो ये आपका यहाँ तक हम देखते हैं क्योंकि कुछ पेजेस मिसिंग थे इस चैप्टर के तो ये हमें लेक्चर यही पे स्टॉप ये जो टॉपिक है यही पे स्टॉप करना होगा अगेन अगर आपके पास इसके आगे के दो पेजेस हैं जो मेरी बुक में मिस प्रिंट थे तो आप मुझे वो करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम पर मेल करें स्कैन करके ठीक है तो आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि तो ही मैं आपका ये जो वीडियो है कंप्लीट कर पा ये जो चैप्टर है इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर पाऊंगी अदरवाइज बाकी बच्चों का भी रह जाएगा बस इसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट है तो इसके लिए आपको अगर स्कैन के लिए ऐप डाउनलोड करनी है तो आप एडोब स्कैन डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है उससे आप वो चैप्टर स्कैन करके मुझे इस आई पे मेल कर सकते हैं तो ये था हमारा थोड़ा साउथ का एंटी कास्ट मूवमेंट साउथ में स्टार्ट हुई थी और कौन कौन से नाम इसके साथ हमने केरला का चंद्र रिवॉल्ट देखा ज्योति बफूले सावित्री बफूले एंड हमने अयंकाली देखे कहाँ के अर्लीस्ट दलित लीडर्स जो थे वन ऑफ द अर्लीस्ट दलित लीडर्स ठीक है वो भी कहाँ के केरला के तो चलते हैं आगे स्टेट एंड नॉन स्टेट स्टेट स्टेप्स टूअर्ड्स दीशन अबोल्यूशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो ये वाला टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है स्टेट एंड नॉन स्टेट स्टेप्स स्टेपर्स एबोलिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ठीक है तो ये आपका पुराना एडिशन का सेम ही है ये हमने वहीं से कवर किया था अब कंटेम्प्रेरी डायमेंशन में देखते हैं हमें मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम डिस्कस करना है अगेन इसका कुछ पेजेस मिस प्रिंट है तो ये टॉपिक भी नई एडिशन पे आदा ही था तो ये हम पुरानी एडिशन से कवर करते हैं इसके लिए हम चलते हैं पुरानी एडिशन की तरफ मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम हम यहीं से कवर करेंगे ठीक है तो इन कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम जो था ये कभी भी स्टैटिक नहीं था बिफोर द ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इट्स पेरेंट जो वर्नर सिस्टम था इट सेल्फ अंडरवेंट मेनी चेंजेस एंड इट वॉज नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन बर्थ जैसे आपको मैंने कहा अर्ली वैदिक सिस्टम में ये स्ट्रिक्टली नहीं ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था इट वाज नॉट स्ट्रिक्ट सिस्टम तो उस टाइम पे जो मोबिलिटी थी इसमें वो पॉसिबल थी तो ऐसा कहना का सिस्टम शुरू से ही काफ़ी रिजिड था ये चीज़ गलत होगी लेटर वर्ना स्पेसिफिक गॉड्स और सो इमर्ज तो मतलब हर वर्ना ने क्या किया था इसे ब्राह्मण जो क्षेत्रियाज वेश शुद्राज अपना अपना गॉड जो है खुद बनाया था तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि उनको एक ही गॉड को वर्शिप करना था जो वो ये वर्ना सिस्टम है इस पर मतलब इसकी बात वर्ना सिस्टम की मान सके और ये बिलीव कर सके कि हाँ हम लोअर कास्ट हैं वो तभी होता है ना इनकेस उनका एक ही गॉड होता और वो यही बात बार बार बोल रहा होता लेकिन हर जो सेक्शन है हर कैटेगरी है उनने अपना गॉड दे क्रिएटेड देयर ओन गॉड्स दे वर्शिप देयर ओन गॉड्स ठीक है तो इस वजह से उनको को कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था जो उनको इस सिस्टम पे बिलीव करना होता लेटर वर्ना स्पेसिफिक गॉड्स आल्सो इमर्ज फॉर एग्जांपल पुषन जो था गॉड ऑफ शूद्रा हु लुक्ड आफ्टर द कैटल इमर्ज

कास्ट हैज़ बिन कंसिडर्ड एज अ क्लोज सिस्टम ऑफ स्टार्टिफिकेशन इसको माना जाता है क्लोज लेकिन अगर हम देखें अर्लियर टाइम से हमेशा से क्लोज नहीं रहा है आइडियोलॉजिकल बेसिस बिहाइंड दिस क्लोजनेस वॉज बिलीफ इन कर्मा कि आप जहाँ पे भी आज हो आपके पास डीड्स की वजह से हो अगर आप दलित पैदा हुए हो या आप शूद्र हो जिसमें आपको लो मीनियल जॉब्स करने पड़ते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ यर कर्मा आपने पुराने जन्म में कुछ बैड डीड्स किए हैं तो जहाँ पे ये थॉट आ गया वहाँ पर मोबिलिटी खत्म हो गई ठीक है तो जो क्लोजनेस थी कास्ट सिस्टम की वो कहीं ना कहीं इस थॉट से एसोसिएटेड थी जो किंग्स इन द पास्ट थे वर आल्सो ऑर्डेन टू प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट ताकि एक सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे यहाँ पे हम एक स्टडी देखते हैं के एल शर्मा की ऑन मोबिलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम इन्होंने कहा मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल होती है सम इंडिविजुअल्स इवन ऑफ लो कास्ट जो है मे है बेटर स्टेटस एंड प्रेस्टीज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ देअ फैमिली इन अगर कोई ये देखो आप एक फैमिली के डिफरेंट मेम्बर्स हैं अगर वो शुद्र ही हैं, तो हो सकता है कि कोई एक मेंबर उसमें हो कि वो ज़्यादा चाहे वो पैसों के हिसाब से या किसी हिसाब से अपने दिमाग इंटेलिजेंस के हिसाब से वो उनसे थोड़ा बेहतर हो ठीक है तो उसकी मोबिलिटी इजी है इन कंट्रास्ट टू इट स्क्रिप्चर्स हैल्सो अकाउंट जहाँ पे ब्राह्मण्स हैं अगर वो ऐसी चीज़ें करें जो ब्राह्मण्स को शोभा नहीं देता तो उनका भी क्या हो जाता है लोअर मोबिलिटी हो जाती है वो इस हाई पोजिशन से उनको निकाला जाता है मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ़ फैमिली जहाँ पे फैमिली की मोबिलिटी हो जाएगी ठीक है एंड मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल फैमिलीज और यहाँ पे मेजरिटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ फैमिल्ज इसको कॉर्पोरेट या कलेक्टिव मोबिलिटी भी बोला जाता है ठीक है तो ये के एल शर्मा ने मोबिलिटी के बारे में बात की थी अगर मोबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप इनका भी एक पर्सपेक्टिव इसमें लिख सकते हैं हावी और अगर हम रियलिटी में, में देखें नो सिस्टम वाज एब्सोल्युटली क्लोज्ड कोई सिस्टम एब्सोल्युटली क्लोज नहीं था क्लोजनेस किस की वजह से थी उनका जो बिलीव था कर्मा पे ठीक है लेकिन अगर रियलिटी में देखें ऑन ग्राउंड कोई भी सिस्टम एब्सोल्युटली क्लोज नहीं था इनफैक्ट सोशल मोबिलिटी हैज़ ऑलवेज़ बिन प्रेजेंट विद इन द कास्ट सिस्टम मोबिलिटी वॉज मोर फ्रीक्वेंट इंटरमीडिएट क्लास कास्ट्स में जो कौन सी थी वेश्य शूद्र एंड ये उनका मूव करना जो है वो ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू योर ब्राह्मणस मतलब ब्राह्मण बनना इजी नहीं था लेकिन वेश्य के लिए क्षेत्रीय शे, के लिए वेश्या वेश्या के लिए शूद्र शूद्र के लिए क्षेत्रीय वेश्य ये चीजें बना थोड़ा जी थे ठीक है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो है उन्होंने क्षेत्रिय को सुपीरियर कास्ट कहा था एंड जेना स्क्रिप्चर्स ने वेश को सुपीरियर कास्ट कहा था उनको महाजना कहते थे अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द द रिलेटिव ऑफ कास्ट डिफरेंट हिस्टोरिकल टाइम्स पाने का जो नंदाज थे दे वर द लास्ट ट्रू क्षेत्र रूलर और उसके बाद जो रूलर्स आए थे वो आ, किसको बिलोंग करते थे वो लोअर कास्ट से थे ठीक है तो लास्ट ट्रू क्षेत्रियाज कौन से थे आपके नंदाज नंदाज के बाद जो भी आए थे वो लोअर कास्ट के रूलर्स थे तो मोबिलिटी को हम बोल सकते हैं इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट अब काफी वेरियस एंड हिस्टोरिकल एवेन्यूज ऑफ मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम किस वजह से होती थी पॉलिटिकल पावर एंड मोबिलिटी ठीक है इन ओल्डर डेज श्रीनिवास ने कहा था कि हमारे पास दो मेजर सोर्सेस थे मोबिलिटी के फ्लुइडिटी थी पॉलिटिकल सिस्टम इट वाज वन सच फैक्टर दैट मीन्स अगर आप पॉलिटिकल पावर ले सको तो आपके लिए इजी होता अपनी कास्ट को भी इम्प्रूव करना जैसे गुप्ताज ने ये किया था ठीक है तो गुप्ताज वो बिलीव किया जाता है कि वो लो कास्ट के थे ठीक है लेकिन उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया फाइन उस पॉलिटिकल पावर की वजह से उनको एक हाई स्टेटस दिया गया एंड इनफैक्ट कहीं कहीं पे उनको एक गॉड God, गॉड्स के साथ भी कंपेयर किया गया था तो वन सच फैक्टर मेड इट फॉर न्यू कास्ट टू अज्यूम द स्टेटस ऑफ एंड एक्सरसाइज पावर जो ग पुत्र सतकर्णी थे द माइटी सतवाना रूलर आपने सुना होगा हिस्ट्री में इनका पढ़ा होगा उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण प्रोक्लेम किया था लेकिन एक्चुअली वो एक ट्राइब को बिलोंग करते थे तो so, वो क्या करते थे सतकर्णीज वो लैंड वगैरह गिफ्ट कर देते थे ब्राह्मण्स को इस वजह से उनको हाई स्टेटस जो है वो मिलने के चांसेस ज्यादा थे गुप्ताज जो है ये भी शिवेशियास थे ठीक है लेकिन इनको बाद में क्या दिया गया था इनको क्षेत्रीय स्टेटस दिया गया था एंड इवन देअर कम्पेयर विद गॉड्स क्योंकि वो ब्राह्मण्स को रिच ट्रिब्यूट्स एंड लैंड्स वगैरह गिफ्ट करते थे तो फ्लूडिटी थी पॉलिटिकल पावर में पॉलिटिकल पावर लेना थोड़ा ईजी था एंड उन उस पॉलिटिकल पावर लेके आप अपना जो रिचुअल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे गुप्ताज ने किया या सतवनाज ने किया ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है लैंड ओनरशिप की अगर आपके पास थोड़ी बहुत लैंड आ जाए तो भी आप अपना रिचुअल स्टेटस जो है वो इंप्रूव कर सकते हो लैंड जो है उस टाइम काफी काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था लैंड ये करना ओन करना। ओन इट स्टेटस का दैट मीन आपकी पॉलिटिकल पावर का एंड स्टेटस का एक मेजर था किसके पास कितनी लैंड है श्रीनिवास ने कहा था अवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड जो है इट वॉज सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने डिफाइन की थी मोबिलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम मार्जिनल लैंड जो है कुल बी बॉड अंडर कल्टिवेशन हेंस इट वन स्टेटस किसके पास कितनी लैंड है उसका स्टेटस उतना ही इनहेंस हो जाता था तो जो लीडर्स है डोमिनेंट कास्ट के जैसे रेडीज एंड वो सीज कर सकते थे पॉलिटिकल पावर यूटिलाइजिंग दिस मार्जिनल लैंड एंड विल एबल टू क्लेम द क्षेत्रीय स्टेटस ठीक है तो आप अपना स्टेटस इंप्रूव कर सकते थे बाय द ओनरशिप ऑफ लैंड मेट्रीमोनियल एनालिसिस अगर अनोलोमा या हेपरगैमस मैरेजेस हो गई थी दीज मैरिजेज इवन दैट देंक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स तो ये मैरिजेस कौन सी

वॉर्स एंड मोबिलिटीज जो इन्वेडर्स थे जितने भी इन्वेडर्स आए थे उनकी वॉरियर नेचर की वजह से इवन जो हूनाज है राजपूत ठीक है वॉर्स में जो आप पावर दिखाते हो डिस्प्ले करते हो अपना पावर ठीक है उसकी वजह से भी आपको एक क्षेत्रीय स्टेटस जो है वो मिलता था सोशल मूवमेंट काफी हमने अभी पढ़ी सोशल मूवमेंट्स होगी साउथ में स्पेशली जो एंटी कास्ट मूवमेंट्स चली उससे भी काफी फायदा हो गया इन चीजों को कास्ट डिस्क्रिपेंसी इन मॉडर्न टाइम्स सोशल मोबिलिटी एविडेंट है इन कास्ट सिस्टम में इन द इंक्रीजिंग डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन विथरिंग अवे ऑफ जजमानी ऑब्लीगेशन वीकनिंग ऑफ रिजिडिटी रिगार्डिंग प्योरटी एंड पोल्यूशन एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्यूलर लाइफ स्टाइल तो मॉडर्न टाइम्स है जैसे मॉडर्न टाइम में एक डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन आप एक इंडस्ट्री में काम कर हो मॉडर्न इंडस्ट्री में काम कर वहाँ पे लोग अलग बैकग्राउंड से आते हैं अलग कास्ट से आते हैं तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते किसी को दलित है तो ये मेरी साइड वाली चेयर पे नहीं बैठेगा ऑल दो ऐसे इंसिडेंसेज होते हैं लेकिन हम जनरली अगर जनरल पिक्चर देखें तो ऐसा नहीं होता है अब ठीक है जजमानी सिस्टम पुराना भी कास्ट पर बेस्ड था वो भी ख़त्म हो गया प्योरिटी एंड पोल्यूशन लुई डिमा वाला कॉन्सेप्ट वो भी अब कहीं नहीं स्टैंड करता है एक्सेप्टेंस ऑफ एक सेक्युलर लाइफ हो गया है सबका ठीक है ऑक्यूपेशंस हैव डिफ्रेंशिएटेड टूडे एंड दे आर सेक्युलर इन नेचर ऑक्यूपेशन जो है वो सेक्युलर होते हैं नेचर में कहीं पर भी कहीं ओपनिंग आती है किसी कंपनी की तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होता है कि सिर्फ ब्राह्मण कास्ट कैन अप्लाई ऐसी बातें अब नहीं कर सकते आप क्योंकि आपको ये ऑफेंस माना जाएगा पीनल ऑफेंस आपको इस बात पे पनिश किया जाएगा ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन वाज द बैकबोन ऑफ द कास्ट सिस्टम एज इट ब्रेक्स अवे मोर एवेन्यूज ऑफ मोबिलिटी हैव ओपनड अप ठीक है पॉलिसी मेजर्स जो गवर्नमेंट लेके आई पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या लेजिस्लेटिव मेजर जो इनके लिए लेके आए थे जो हमने अभी पुराने लेक्चर में देखा सेंसस एंड मोबिलिटी सेंसस 1901 है इट वाज़ कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ हर्बर्ट एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड द कास्ट इन्फॉर्मेशन मैनी लोअर कास्ट जो थे उन्हें खुद को रजिस्टर उसमें किया था एज हायर कास्ट एंड सेंसस डेटा इस बात पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी होते हैं बाद में क्योंकि लेटर ऑन क्या होता है जो हाई कास्ट के थे सबके पटेल्स वगैरह उन्होंने कहा था कि हमें लो कास्ट स्टेटस पटेल्स नहीं आपके मीनाज इन राजस्थान उनको गलती से हाई कास्ट में रखा गया था उन्होंने कहा था कि नहीं हम लो कास्ट के हैं हमें उसी में ही रखो ताकि वो बेनिफिट्स जो है वो अवेल कर सकें जो भी लो कास्ट के लिए गवर्नमेंट लेके आती है ज्योग्राफिक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी वाइल माइग्रेन सेटल डाउन इन न्यू एरियाज वेर देर आइडेंटिटी इज नॉट नोन दे वर दे आर फ्री टू न्यू आइडेंटिटीज ठीक है आपने माइग्रेट किया और दूसरी जगह चले गए वहां पर आपकी मर्जी आप खुद को क्या बुलाओ एजुकेशन सेक्यूलराइजेशन डेमोक्रेसी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन सब चीजों से भी क्या हो, है? वीक हो जाता है मॉडर्न पे, पे uh, सेटिंग में रिलीजियस सैक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है आपके पास वैल्यूज ऑफ जस्टिस फ्रीडम लिबर्टी इक्वालिटी ये सारी बातें आप मॉडर्न सेटिंग में करते हैं और कास्ट रिलेटेड बातें नहीं होती है एज ए रिजल्ट जो कास्ट जो स्टेटस है इट इज नॉट डिफाइंड बाई कास्ट अलोन सेक्युलर जो स्टेटस है ये ओवर शेडो करता है कास्ट स्टेटस को इन ऑफर्स न्यू एवेन्यू ऑफ मोबिलिटी दस जो फ्लूडिटी है कास्ट सिस्टम में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन कास्ट लॉस परमिटेड आर परमिटेड जो सो कॉल्ड लो कास्ट को बिलोंग करते थे तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन कास्ट सिस्टम जो है वो काफी पहले से uh, रही है टुडे जो डेमोक्रेटिक स्टेट है प्रोवाइड लार्जर ऑपरचुनिटीज ऑफ मोबिलिटी हाई स्ट्रेस ऑन सेक्यूलर स्टेटस हैज ऑल्सो एडेड द प्रोसेस ऑफ मोबिलिटी क्योंकि सेक्युलर स्टेटस आज आपका इनकम वेल्थ इन सब चीज़ों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू कास्ट ठीक है तो ये सारी चीजें अगर आपको थोड़ा पॉजिटिव भी प्रेजेंट करना होगा इस पिक्चर को तो आप लिख सकते हो मोबिलिटी है कास्ट में और किन किन एवेन्यूज में है वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम एक चैप्टर वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत होगी कवर करने में क्योंकि बिकॉज ऑफ द मिसिंग पेजेस तो मैं फिर से बोल रही हूँ किसी के पास अगर पूरा चैप्टर है तो वो मुझे मेल करें फिर मैं उसको बताऊंगी कौन कौन सा पेज नंबर जो है इसमें मिसिंग था वो मुझे स्कैन करके वो मेल कर देंगे फिर ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हमें वाइंड अप करेंगे उसके बाद विल मूव ऑन टू द फिफ्थ चैप्टर तो टिल द टाइम में अपलोड नेक्स्ट वीडियो वी बाय टेक हैव अ ग्रेट डे